बारिश देखो आप। नहीं मतलब क्या चाहिए, क्या चाहिए भगवान जी आपको इतनी ठंड में, क्या मारना चाहते हो हमें, थोड़ी तो रहम करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। और आज है सैटरडे। अभी मैं थोड़ा सा डेली वीडियोस डाल रही हूँ, पर डेली व्लॉगिंग का भी ट्राई कर रही हूँ कि जिस दिन मुझे कुछ लगता है कि हाँ स्पेशल कुछ चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए तो उस दिन मैं व्लॉग बना रही हूँ। एंड प्लीज़ आप लोग मेरे जो व्लॉग्स हैं उनको पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ना करा तो आपने। सो अभी आज है सैटरडे और अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। अभी लड्डू के लिए मैं सबसे पहले लंच बनाऊँगी। तो आज पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था, मैं जब लड्डू को नहला रही थी तो कि आज लड्डू को गर्म गर्म हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। सो मैं लड्डू के लिए हलवा बनाऊंगी और लड्डू को उसका भोग लगाऊंगी। आज है ना इतनी बारिश हो रही है ना, कल पूरी रात जयपुर में बारिश हुई है, पूरी रात लिटरली। मैं 2 बजे तक जग रही थी, मैं इंस्टाग्राम के लिए रील एडिट कर रही थी इस वजह से, तो पूरी रात को बारिश हो रही थी, बिजलियाँ चमक रही थी। और ना मेरा रूम क्या ना जस्ट बालकनी है मेरे रूम के जस्ट बाहर, तो बिल्कुल सुनाई देता है एकदम, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। एंड सुबह जब मैं उठी तब लाइट भी नहीं आ रही थी, मतलब लाइट भी आई थिंक 9:30 बजे ऐसे समथिंग आई है, और बारिश हो रही थी और अभी भी बारिश हो रही है। सो बस लड्डू को मैं लंच करा के और लड्डू को सुला दूंगी थोड़ी देर के लिए शाम तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यार। बच्चे रूप बाल स्वरूप में है ना इस वजह से, और उसके बाद में मुझे थोड़ा सा काम करना है तो मैं वो करूँगी। और वो करने के बाद में आज है सैटरडे ट्यूसडे को मैं हाँ कुछ स्पेशल सी चीज़ करती हूँ, अभी से नहीं कर रही हूँ वो मैं। सो सैटरडे एंड ट्यूसडे को मेरे रूटीन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, और ये चेंज अभी से नहीं है मेरी, आई थिंक मुझे 4 से 5 साल हो गए होंगे इस रूटीन को फॉलो करते हुए। सो ये मेरा ट्यूसडे और सैटरडे को एक रूटीन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज, और ये करके मेरे मन को बहुत शांति मिलती है बहुत ही ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाली तो मतलब वैसे नहीं हूँ, बट कुछ चीज़ों में मेरी बहुत ज़्यादा आस्था होती है, और वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आज कैसे क्या अपना दिन स्पेंड करती हूँ। तो सबसे पहले को भूख लग रही है तो मैं पहले लड्डू को खाना खिला देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ये लड्डू का लंच तैयार हो गया है। ये मैंने आज लड्डू के लिए हलवा बनाया है, और ठंड क्योंकि थी बहुत ज़्यादा तो मैंने सोचा गर्म गर्म हलवे का भोग लगा दूँ, और पता नहीं क्यों ऐसे खुद को ही मन में आने लग जाती कि हाँ शायद लड्डू का हलवा खाने का मन है। और ये मैंने थोड़ा सा पानी निवाया किया है क्योंकि ठंड है, तो हम भी देखो ठंडा पानी नहीं पीते हैं, तो ये मैंने दोनों में तुलसी डाल दी। और मैं लड्डू का ही लंच लड्डू को करा देती हूँ। अभी कुलदीप से मैंने गुड़ मंगवाया था, गुड़ ख़त्म हो गया था क्योंकि भैया और पापा बिना गुड़ के खाना नहीं खाते हैं। और अभी जुकाम हो रही है मम्मी और भैया को, तो अदरक वाली चाय बनानी पड़ती है बार बार, तो अदरक भी ख़त्म हो गई थी, और साथ में मेरे लिए जूस। और जूस में मैं इतना सबस देख लीजिए इतना सा नींबू मिला रही हूँ, नींबू भी विटामिन सी होता है, अच्छा होता है नींबू, लेकिन मैं इतना सा इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि मैं गर्म पानी पीती हूँ पूरे दिन, बोतल में भर के रखती हूँ, तो उसमें मैं ये नींबू भी रखती हूँ निचोड़ के, तो फिर ओवर हो जाएगा ना, ओवर किसी चीज़ का अच्छा नहीं हो, चाहे फिर हेल्दी भी चीज़ हो। फाइनली धूप निकल गई है, ये देखिए बारिश अभी जस्ट हुई है, पता नहीं कैसी धूप निकली है। जब हम छोटे थे ना मतलब बचपन में, और ऐसे धूप में बारिश होती थी तो हम ऐसे बोलते थे, मतलब हमने ऐसे सुना था कि धूप में बारिश होती है तो मतलब भूत भूतनी की शादी हो रही है। हम लोग पहले ऐसी बातें करते थे छोटे थे तब करते थे ऐसे कि भाई बारिश हो रही है तो भूत भूतनी की शादी हो रही है, कहीं हो रही है क्या भाई, दिख जाओ कहीं बारात वरात जा रही हो। बट फाइनली धूप लग गई, मैं बहुत खुश हूँ और थोड़ी सी धूप सेकने आ गई हूँ बस। मतलब गर्मियों में तो धूप ऐसे लगती है बस, बहुत चुभती है, और सर्दियों में इतनी प्यारी लगती है ना। यूजुअली मैं दिन में ना रेस्ट करती हूँ, बट आज मैं नहीं सो रही हूँ क्योंकि मुझे शाम का खाना जल्दी बनाना है क्योंकि सैटरडे है। अब वो मैं आगे ही बताऊँगी कि क्यों बनाना है, क्या है, आज सैटरडे है, ट्यूसडे होता है, क्या होता है उस दिन, तो बस इसलिए मैं नहीं सो रही हूँ। और मुझे नींद भी नहीं आ रही, बस मैं थोड़ा सा अपना वीडियो का काम कर रही हूँ, जो लोगों की डिमांड आ रही है बहुत ज़्यादा वेट लूज़, तो उसी के वीडियो के लिए मैं बस थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो पेशेंस रखो गाइस, बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगा इसका भी। सो बस मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ, उसको करूँगी, उसके बाद में चेंज करके फिर मैं नीचे जाके खाने की तैयारी में लगूंगी। और खाने में आज मैंने सोचा कि एक दाल बनाऊंगी, और लहसुन की चटनी मेरा बनाने का मन कर रहा है। मैं तो खाऊंगी नहीं, शाम को खाना मैं नहीं खाती, बट घर में सबको पता है, सबको पसंद है लहसुन की चटनी, और जुकाम भी है तो ठीक भी हो जाएगा थोड़ा, तो बस मैं अपना ये काम कर लेती हूँ। और ये हमारा माइक्रोवेव ख़राब हो गया तो उनको सही करने के लिए भैया को बुलाया क्योंकि विंटर्स में बहुत नीड होती है।
और जब तक माइक्रोवेव ठीक होता है मुझे नीचे तो बैठना ही था, मैं ऊपर जाके अपना काम तो कर नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा फ्री बैठने से अच्छा लहसुन छील लेते हैं ताकि शाम को चटनी बनानी है उसके लिए थोड़ा टाइम भी बच जाएगा, यूज़ हो जाएगा, तो बस इसलिए मैं लहसुन लेके बैठ गई। माइक्रोवेव ठीक हो रहा है, और ये बस मैंने दाल बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। दाल में मैंने धो के पानी डाला, हल्दी, थोड़ा सा नमक। इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही क्योंकि काफ़ी व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि मैं दाल कैसे बनाती हूँ, बेसिक जैसे घर में डेली बनाते हैं। और ये बस सीटी लग गई, इतनी देर में माइक्रोवेव ठीक हो रहा था, मेरा ये काम भी हो गया। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए मैंने कैप लगा ली है, और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 4:15 बजे हैं, लेकिन मैं खाना बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ क्योंकि फिर मुझे पता है लेट हो जाएगा एंड मुझे शाम को कैसे भी करके 6:30 बजे से पहले पहले फ्री होना है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि आटा लगा के रख दूँगी, सब्ज़ी बना के रख दूँगी, और पापा अपने तो जल्दी खा लेते हैं, वैसे भी 6:30 बजे तक फ्री हो जाते हैं, और वैसे भी फिर कुलदीप और भैया दोनों लेट ही खाते हैं, मुझे 6:30 बजे तक फ्री करना है। दाल मैंने बॉयल होने के लिए रख दी थी जब माइक्रोवेव ठीक हो रहा था उसी टाइम पर, सो बस अभी मैं दाल छौंकूँगी। और ये देखिए बस ये मेरी दाल अच्छे से बॉयल हो रही है, मैं बहुत देर तक पकाती हूँ, ये मेरी आदत है दाल को, कड्डी को, उनको। और यहाँ पर बस मैं गर्म पानी करके और आटा लगा रही हूँ, गर्म पानी से आटा लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा आटा लगता है, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। और एक ही हाथ से आटा लगाती हूँ मैं क्योंकि मेरे दूसरे हाथ पर मैं ऐसे प्रेशर नहीं डाल सकती, प्रेशर वाला काम नहीं कर सकती हूँ अभी इतना, इसलिए बस एक हाथ से। और लास्ट में दाल बनने के बाद मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल देती हूँ, इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। और ये मैंने अब मम्मी की चाय बनाई थी क्योंकि शाम को चाय का टाइम हो रहा है, तो बस मैं उनको चाय देके आ जाती हूँ। और अभी लहसुन की चटनी बनाएंगे। देखिए लहसुन छील के मैंने और ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, पैन लिया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे अपने अकॉर्डिंग, जितना आपको चटनी बनानी है उतनी। ये मैंने देखिए इतना सा ऑयल डाला है, मतलब इसमें तेल थोड़ा अच्छा डलता है। और ये दही लिए मैंने एक कटोरी, दही के अंदर आप सारे मिर्च मसाले मिला लें, हल्दी हो गया, नमक हो गई, और मिर्च हो गई, धनिया पाउडर हो गया, जो बेसिक सब्जी में मसाले डलते हैं वो वाले मसाले। और ये देखिए सारे मसालों को मैंने अच्छे से दही में मिक्स किया, अब तेल गर्म हो गया तो इसमें हम ये लहसुन डाल देंगे, और पहले लहसुन को अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि थोड़ा कच्चापन ना रहे इनके अंदर, तो बस इनको हल्का हल्का भून ले। एंड ये बहुत ट्रस्ट भी बहुत अच्छी चटनी बनती है, इनको पूड़ियों के साथ, पराठों के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए इस स्टेज पर मैं इसमें जो मैंने दही वाला पेस्ट बनाया था ना वो इसके अंदर मिला दूँगी अच्छे से, ये थोड़ा गाढ़ा है तो मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी दही और मिलाई थी। और ये देखिए बस अब इसको आपको क्या करना है ना, पकने देना है, जब तक ये तेल अच्छे से ना छोड़ दे, इसका एक कलर ना आ जाए ना, तब तक आप इसको पकने दें। और ये देखिए अभी इसमें कलर आ चुका है, और ये बिल्कुल परफेक्टली हमारी चटनी जो है वो बन चुकी है। और ये बस इसको हम गैस को बंद कर देंगे, और इसको मैं बस एक छोटे से बर्तन में निकाल रही हूँ, प्लास्टिक के में मैं इसलिए निकालती हूँ क्योंकि ये माइक्रोवेव के बर्तन है, ताकि गर्म करनी हो तो फिर माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे। और ये देखिए ये मेरी दाल रेडी है, साथ में मैंने आटा लगा के भी रख दिया है, और इसके अलावा पत्ता गोभी और टमाटर मटर की सब्ज़ी। अब इनकी रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं करी क्योंकि नॉर्मल चीज़ें, कल के लिए बादाम भिगो के रख लिए, सुबह खाते हैं सब, तो ये मेरा जो काम था सारा हो चुका है। मैं अपने लिए ग्रीन टी बना रही हूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा है 6:45 भी नहीं बचे और मेरा पूरा काम हो चुका है, बस मुझे रोटियाँ सेकनी है, कोई खाएगा तो गरम गरम, या मैं पानी गरम कर रही हूँ ताकि बॉटल्स भर दूँ सबकी। और खाना पूरा रेडी है, अपनी ग्रीन टी बना ली है मैंने, जो कि बस अब मैं बैठ के थक पीऊँगी, उसके बाद मैं हाथ मुँह धो के चेंज करूँगी। हेलो, सो काम हो गया है और अभी सिर्फ 6 भी नहीं बचे हैं, 6 बजने में भी अभी 5-7 मिनट कम है, और बस मैं अपनी ग्रीन टी बना के ले आई हूँ, अदरक भी है इसके अंदर, क्योंकि अदरक मैंने इसलिए डाली, मैं डालती नहीं हूँ बता दूँ आपको, अदरक और दालचीनी मैंने इसमें डाली है। मेरी सब्सक्राइबर हैं, इंस्टा फॉलोवर है आई थिंक,
उन्होंने मुझे बताया कि जीजा आपको PCOS है तो वो ये ट्राई करती हैं और उनको इसमें काफ़ी रिलीफ मिला PCOS में। सो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप चाय पियो अदरक और काली मिर्च लौंग की, बट मैं दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ इसलिए मैंने अपनी ग्रीन टी में ही अदरक डाल ली। काली मिर्च लौंग मैंने नहीं डाली, सिर्फ अदरक अदरक डाली है। पहले वो टेस्ट कर लूँगी मुझे कैसी लगती है। और अभी शाम हो गई, मैं बाहर के बैठ गई हूँ, थोड़ा सा मन कर रहा था बाहर बैठने का। मेरे को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही क्योंकि मैंने इतना सारा पहन रखा है ना, इतने इसके अंदर भी मैंने टी शर्ट और इसके अंदर नीचे फिर गर्म वाली इनर पहन रखी है मैंने। तो मैं बाहर आके बैठ गई हूँ, अपनी ग्रीन टी इन्जॉय करूँगी। उसके बाद में मैं क्या करूँगी ना, सिर्फ हाथ मुँह धो के आऊँगी, चेंज करके आऊँगी और उसके बाद में पापा आ जाएंगे तो मम्मी पापा को खाना खिला के फिर मैं सुंदरकांड करने बैठूँगी। हाँ जी, तो सैटरडे और ट्यूसडे को मैं सुंदरकांड करती हूँ। एक्चुअली मैं कभी बताती नहीं थी, मुझे लगता था कि क्या शेयर करूँ मैं, लाइक फिर अभी मैंने सोचा कि ठीक है डेली व्लॉगिंग करते हैं तो हर दिन फिर अब डेली तो सेम नहीं दिखा पाएंगे ना, कुछ अपना जो भी दिन में मैं करती हूँ दिखाना चाहिए और आज सैटरडे भी था। सो मैंने सोचा कि ठीक है व्लॉग शेयर कर देती हूँ। और मैं सुंदरकांड अभी से नहीं करती हूँ, मैं बहुत लाइक स्कूल टाइम में थी, हाँ मैं 4-5 साल भी नहीं बोलूँगी आपको, स्कूल टाइम में थी ना तब से मेरी आदत है, मतलब बहुत साल हो गए होंगे मुझे सुंदरकांड करते हुए। पहले तो मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता था, लेकिन अब मुझे सिर्फ 1.5 घंटा लगता है क्योंकि मुझे इतने साल हो गए हैं सुंदरकांड करते हुए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आप ना थोड़ा सा टाइम इन चीज़ों के लिए निकाला करो, 24 आवर्स होते हैं, आप खुद के लिए भगवान के लिए नहीं, मतलब ये नहीं होता है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं या पंडित बन गए, नहीं, इन चीज़ों से क्या ना पॉजिटिविटी आती है, आपका मन शांत होता है, आपका जो मन में सब चीज़ें चलती रहती है ना वो शांत हो जाती है, आपके घर में एक सुख, मैं बोलती हूँ सुख शांति बनी रहती है, पॉजिटिविटी रहती है, नेगेटिविटी नहीं आती, आपके मन में फालतू की बातें नहीं आती हैं। तो सुंदरकांड बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, मैं आपको ट्रस्ट में ये बात बोल सकती हूँ कि सुंदरकांड बहुत अच्छा रहता है। आप किसी से भी पूछ लेना कि सुंदरकांड का पाठ करने से घर में बहुत अच्छा रहता है। सो मैं हर ट्यूसडे को और सैटरडे को अपने वहाँ करती थी, फिर जब मैं यहाँ आई तो फिर मैंने मतलब यहाँ पता था कि हाँ मैं वहाँ पर सुंदरकांड करती हूँ, क्योंकि सगाई के बाद में मम्मी बताती थी कि मैं ऐसे ऐसे पूजा पाठ करती हूँ। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे ना सुंदरकांड करती हूँ, रामायण लेके आनी, तो मैं फिर रामायण लेके मैंने यहाँ पर भी स्टार्ट कर दी है। सो अब मैं यहाँ पर भी करती हूँ, बस सैटरडे और ट्यूसडे को मेरा ये होता है शाम को मैं सुंदरकांड कर लेती हूँ। और आपको मैं एक सीक्रेट बता रही हूँ, ये मुझे है ना मेरी कॉलोनी में एक दी थी, मतलब एज ए फ्रेंड वो मेरे साथ रहती थी, और वो जो आप जानते होंगे सालासर वाले जो बालाजी हैं, मतलब कितने वो तो बहुत प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध सालासर के बालाजी के मंदिर है ना, उन्हीं मतलब जो जो पूजा करते हैं उन पुजारी, उन्हीं के घर में, मतलब वो दीदी की शादी वहीं हुई है, मतलब बेसिकली वो जो पुजारी मंदिर में जो पूजा करते हैं ना उन दीदी के फैमिली वाले ही करते हैं, हाँ। सो वो दी करती थी सुंदरकांड के पार्ट, तो मैंने उन्हीं से सीखा था मतलब बचपन में। और उसके बाद में उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि सपना कभी भी मन पर कोई भी डाउट हो, कभी XYZ आपको कैसा भी क्वेश्चन हो, इन्हें बताई थी कि सपना मन में कभी भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, सुंदरकांड के जो पीछे मतलब रामायण की जो बुक आती है ना, रामायण जो आती है उसके पीछे एक पहेली बनी हुई है, आप उसमें मन में वो सवाल रख के उसमें आप एक जगह उंगली रखेंगे ना, आपको अपने सवाल का जवाब वहीं मिल जाता है, वो पहेली आपको उसको समझ में आ जाएगा कैसे करनी है। मैं अभी करूँगी भी, मतलब मैं अपनी लाइफ में कभी कुछ भी कर रही हूँ, कुछ भी नया स्टार्ट कर रही हूँ, इतना सा भी मेरे मन में डाउट होता है ना, मैं हमेशा उस पहेली को ज़रूर ट्राई करती हूँ कुछ भी नया करने से पहले, इवन एग्ज़ाम हो, कॉलेज चूज़ करना हो, लाइफ में कुछ डिसीज़न लेना हो, इवन जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ना गाइस, तब भी मैंने वो चीज़ करी थी, मैंने पूछा था उस रामायण में कि मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और सच में बोलूँ ट्रस्ट में उसमें आपकी हर बात का सॉल्यूशन होता है, हर बात का सॉल्यूशन। सो अभी भी बस मेरे मन में कुछ डाउट चल रहा है, मुझे कुछ न्यू स्टार्ट करना है अपनी लाइफ में, सो मैं आज फिर से वो करूँगी एंड आपको बताऊँगी भी कैसे क्या। अब मैं अपनी ग्रीन टी इन्जॉय कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ठंडी हो चुकी है। चलो चेंज कर लिया है बस मैंने और हाथ में धो लिए थे, अब नीचे जाएंगे और पापा के आने का वेट करते हैं, उनको खाना खिला के। पत्ता गोभी की सब्जी, लहसुन की चटनी है, गुड़ है, मिठाई है, दाल है।
तो ये है देखिए श्री रामचरितमानस, और इसके जस्ट लास्ट में जब आप देखोगे ना तो आपको ये पहेली मिल जाएगी, आपको बिल्कुल हिंदी में लिखी हुई सब समझ में आ जाएगी। देखिए ये है वो पहेली और इस पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि कैसे आपको क्या करना है। ये जो बनी हुई है ना इसमें आप मन में आपके जो भी सवाल है आँखें बंद करके और इस पर उंगली रखें और फिर जो भी आपका मन में सवाल है वो प्रभु को बोले कि हे श्री रामचंद्र जी मेरे मन में ये सवाल है, ये क्या सफल होगा या नहीं होगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है ना, सिर्फ उस जो पहेली है ना वो मन में रख के सवाल और इस पर अपनी जो फिंगर को ऐसे घुमाना है पूरी को, और फिर एक जगह जहाँ पर रुकेगी आपका आँखें खोलना है और फिर उस अक्षर को लिख लेना है जहाँ पर भी आपकी आँखें रुकती है। अब देखिए जैसे मेरी जो उंगली है वो गै के ऊपर रुकी है तो मैंने गै लिख लिया है, और उसके बाद में इस गै से हर नवा अक्षर वापस इस गै पे ही मुझे आना है हर नवा अक्षर करके और मुझे लिखते जाना है, और जब तक वापस मैं इसी कंप्लीट होके स्टार्टिंग से वापस गै पे नहीं आ जाती हूँ और वो मैं यहाँ पर लिखती जाऊँगी। और देखिए मेरी ये चौपाइयाँ बनी हैं और जो मेरी पहेली थी उसका मुझे उत्तर ये मिला है प्रश्न उत्तम है कार्य सिद्ध होगा, तो बस इसी तरीके से करना है। और अब मैं अपने रामायण करने बैठ जाती हूँ। बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये चीज़, आप करके देखना आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। कठोर धनुष को तोड़ डाला, उसी के साथ राजाओं के समूह का गढ़ चूर कर दिया, जिन्होंने खर दूषण त्रिशरा और बादी को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समूह से चराचर जगत को जीत लिया, जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हड़ला, मैं उन्हीं का दूत हूँ, मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ, शहर से भाव से तुमने लड़ाई हुई थी। और मैं रूम में आ गई हूँ और उसके बाद में मैंने कुछ शूट नहीं किया था सुंदरकांड पढ़ने के बाद में, क्योंकि मेरे बैठे बैठे इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी ना, क्योंकि आज मैं सुबह से उठी हुई हूँ और आपने देखा कि आज मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है। अभी मेरे बहुत भयंकर बैक पेन हो रहा है, बट मुझे व्लॉग एंड करना था इसलिए चलो ठीक है मैं कैमरा ऑन करके बैठ गई हूँ, मेरे बैक पेन होने लगा तो इस वजह से बस मैं फटाफट से शूट करके और उसके बाद में दोनों भाइयों का खाना बना के आ गई, क्योंकि दोनों लेट आएंगे और मैं कुछ भी नहीं करूँगी अभी, मतलब सिर्फ और सिर्फ अभी 9:15 हो रहे हैं और बहुत लेट से होती हूँ मैं, लेकिन 9:15 हो रहे हैं और अभी मैं ना तो लाइव आऊँगी ना मेरे कुछ और करने की हिम्मत है एडिटिंग वगैरह, अभी बस मैं सोऊँगी, मेरी इतनी हालत ख़राब हो रही है अभी। और अगर बाई चांस मेरी घंटे दो घंटे भी नींद खुल जाती है तो फिर मैं ये जो अभी व्लॉग बना रही हूँ उसको एडिट करूँगी ताकि कल मैं इसको अपलोड कर सकूँगी। होपफुली आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर देना, क्योंकि आप देखते हो कितनी मेहनत करते हैं एक वीडियो के पीछे हम लोग, सो प्लीज़ अप्रिशिएट।